एमसीयू में जार्विस और फ्रेडे के अलावा हमें और कितने तरह के एआई देखने को मिले हैं। लिस्ट जानने से पहले मैं चाहूंगा तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ग्रायोट, जिसे टिचाला की बहन शूरी ने डिजाइन किया था, जिसे वकांडा का किंग, क्वीन, जनरल या ब्लैक पैंथर ही कंट्रोल कर सकता है, जिसे बनाया तो गया था लैब में सिर्फ असिस्ट करने के लिए, पर साथ ही ये बैटल में भी काफी मददगार साबित होता है। सुप्रीम इंटेलिजेंस, ये क्री प्लांट का एक तरह से एआई वाला किंग है, और यही एआई था जिसने पूरी की पूरी क्री आर्मी क्रिएट करी थी। इसकी पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास माइंड रीडिंग, मेमोरी प्रोजेक्शन और एनर्जी ब्लास्ट जैसी एबिलिटीज है। आर्निमजोला, जो पहले तो एक ह्यूमन था, पर 1974 में इसने खुद के ब्रेन को एक एआई में ट्रांसफर कर लिया था, जिसके बाद से ही एक नॉलेज की खान बन गया था, पर एआई होने के बावजूद भी कैप्टन अमेरिका के हाथों ये मारा गया था। वेरोनिका, जिसे स्पेशली हल्क को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, और यही टोनी को हल्क बस्टर का आर्मर प्रोवाइड करती है। एडिथ, इवन डेट आई एम द हीरो का ये पावरफुल एआई भी टोनी स्टार्क ने ही बनाया था, जिसे टोनी ने पीटर पार्कर को दे दिया था। तो एमसीयू की इस एआई की लिस्ट में अगला नाम है कैरन का। इस एआई को भी टोनी स्टार्क ने ही पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन सूट के लिए डिजाइन किया था, जिसकी वजह से पीटर को सूट के अनलिमिटेड फीचर्स के एक्सेस मिल गए थे। अल्ट्रॉन, एक ऐसा एआई प्रोग्राम जिसे बनाया तो गया था अर्थ और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर इसने ह्यूमैनिटी और ह्यूमंस को ही अर्थ का सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था और आगे चल के पूरी मैनकाइंड के लिए खतरा बन चुका था। केविन, एक ऐसा एआई जो एमसीयू का ही ऑथर है और ये किसी भी शो और मूवी के प्लॉट को अपने हिसाब से बदल सकता है, और पूरे एमसीयू में इस एआई को सिर्फ अभी तक शी हल्क ने ही देखा है। वैसे तो हमने पूरे एमसीयू में दो ऐसे एआई देखे हैं जो करप्ट थे, जिनमें से एक था आर्निमजोला और दूसरा था अल्ट्रॉन, पर इन दोनों के अलावा एमसीयू के पास एक और एआई था जो करप्ट हो गया था। अब उसके बारे में जानने से पहले मैं चाहूंगा तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एडा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिजिटल असिस्टेंट, एक ऐसा एआई जो लाइफ मॉडल डिकॉय का पार्ट था, जिसे हमने एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 4 में देखा था। इस एआई को शील्ड के एक मेंबर होल्डन रेडक्लिफ ने क्रिएट किया था। एडा को इनिशियली पब्लिक और शील्ड के सीनियर ऑफिसर से छुपा के रखा गया था, कारण था सोकोविया अकॉर्ड्स। एडा पहली ऐसी एआई थी जिसमें वक्त के साथ फीलिंग्स और इमोशंस तो डेवलप हुई ही थी, पर साथ ही उसे फिजिकल पेन भी होता था। एडा की पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास रीजनरेशन, टेलीपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, मार्शल आर्ट्स और मल्टीलिंगुअलिज्म जैसी पावर्स और एबिलिटीज थी। सभी एआई की तरह इसे मैनकाइंड की प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया था, पर डार्क होल की वजह से इसका सिस्टम भी करप्ट हो गया था। और इसी के साथ ही एडा धीरे धीरे शील्ड एकेडमी और मैनकाइंड के लिए खतरा बन गई थी, पर एट लास्ट घोस्ट राइडर के हाथों वो मारी गई। वैसे इन सभी एआई के अलावा हमें दो और एआई देखने को मिले थे, जिनका नाम था जकोस्टा और टेडाशी, पर इन्हें कभी भी एमसीयू में यूज नहीं किया गया था। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है कि एमसीयू का सबसे बेस्ट एआई कौन सा था? लेट मी नो इन दी कमेंट्स।